अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुक विद सना शेफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर, जो सबकी पसंद है और मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। ये मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ली है, इस तरह से इसके स्लाइस करवा लिए थे मैंने और इनको वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 6 to 7 tablespoons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चिली सॉस इसमें जाएगा 4 tablespoons, 1, 2, 3, 4। वाइट विनेगर इसमें जाएगा 2 tablespoons, 1, 2। 2 tablespoons इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इससे बहुत अच्छा सा गल जाती है चिकन, इसलिए 2 टेबलस्पून डालेंगे। फिर हम इसमें 2 to 3 tablespoons हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारी बर्गर जो है वो सॉफ्ट बने और कच्चे ना रहें। इसको हम मिक्स कर लेंगे और 6 आवर्स के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में। जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके बनाएंगे बर्गर। जी तो अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो चुका है। 1 बोल मैंने मैदा लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट। जी तो इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2, 3, 4। सारे मसाले इसमें हमने मिक्स कर लेने हैं और इसको एक साइड पे रख देना। उसके बाद ये चिकन है, चिकन को 6 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा अंडा, इसको हम मिक्स कर लेंगे अंडे को अच्छे से। आप हाथ से भी कर सकते हो, स्पून से भी कर सकते हो। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये अंडा इसमें फुल कोट कर दिया मैंने। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ जो हमने पूरा एक तैयार किया हुआ है उसके साथ कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ये ऑयल जो है मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए मैंने चिकन को मैदे में अच्छे से कोट करके कढ़ाई में डाल दिया और अब ये फ्राई हो रहे हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको बर्गर में, ये देखिए हमारा चिकन का पीस फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें मेयोनीज लगा रही हूँ, फुल रिच मेयोनीज। ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी नीचे। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है, साथ में फ्राइज और कोल्सलो भी मैंने बनाई है, बहुत यम्मी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।